हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बोट नेक साइड ओपनिंग बेल्ट ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल स्टिच होम को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहां मैं इस मेजरमेंट के अनुसार ब्लाउज का कटिंग कर रही हूं। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच, शोल्डर 15 इंच, आर्म होल 16 इंच, चेस्ट राउंड 36, बस्ट 38 एंड वेस्ट राउंड 34 इंच है। सबसे पहले कपड़े को 1 फोल्ड देकर डबल लेयर में सेट करें और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लें। इसी लाइन से हम आगे की ओर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज का बैक पैनल का कटिंग करेंगे। अब इस लाइन से ब्लाउज का लेंथ का मेजरमेंट लें। आप जितना लंबाई रखना चाहते हो उसमें 1 इंच और ऐड करें बैक पैनल के लिए। सेम मेजरमेंट इस साइड भी कर लें और मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लें। यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट का हाफ लें। यहाँ पर यह फैब्रिक ब्लाउज का 2x2 में है, इसलिए शोल्डर मेजरमेंट के हाफ में मैं 1/2 इंच और कम कर रही हूँ। लेकिन अगर आप मोटे कपड़े में बना रहे हो तो शोल्डर मेजरमेंट का हाफ लेकर मार्क करें। जितना हमने शोल्डर पे लिया है इस पॉइंट से नीचे की ओर हम उतना ही पर मार्क करेंगे। जैसे हमने शोल्डर 7 इंच लिया तो यहाँ पर भी हम 7 इंच लेंगे। लेकिन अगर आर्म होल 16 इंच से ज्यादा हो तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करें। सेम मेजरमेंट यहाँ पर भी कर लें। अब इस पॉइंट से चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लें। सबसे पहले शोल्डर पॉइंट वाले 7 इंच पर यहाँ पर एक मार्क कर लें। उसके बाद चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लें। आपका जितना चेस्ट राउंड हो उसमें 4 से डिवाइड करें और आंसर जो भी आता हो वहाँ पर मार्क करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट राउंड 36 है तो उसका चौथा भाग 9 इंच हुआ, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूंगी और 1.5 इंच रखूंगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर एक सीधी लाइन बनाएं, उसके बाद इसे चेस्ट राउंड वाले पॉइंट से भी सीधी लाइन बनाकर मिला लें। अब यहाँ 1/2 इंच पर मार्क करें शोल्डर डाउन करने के लिए। उसके बाद इस लाइन के मिडिल पॉइंट पर मार्क करें और बैक आर्म होल का शेप इस तरह से दें। वेस्ट राउंड का मेजरमेंट बैक पैनल पर नहीं करें, वेस्ट लाइन पर वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लें। वेस्ट राउंड का चौथा भाग करें। जैसे यहाँ पर 34 का चौथा भाग 8.5 इंच हुआ और उसमें 1 इंच डर्ट के लिए ऐड करूंगी और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए लेकर मार्क करूंगी। अब चेस्ट और वेस्ट पॉइंट को लाइन बनाकर मिला लें। अब वेस्ट लाइन पर हम डर्ट का मार्किंग करेंगे। डर्ट का मार्किंग के लिए आपका जो भी वेस्ट राउंड हो उसको 8 से डिवाइड करें और 8 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता हो वहाँ पर मार्क करें। अब इस मार्किंग पॉइंट से दोनों ओर 1/2 इंच लेकर मार्क करें, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच डर्ट के लिए फैब्रिक लिया था। बैक पैनल का डर्ट का लंबाई 6 इंच रखें तो इस पॉइंट से ऊपर की ओर 6 इंच पर मार्क करें। अब इन दोनों पॉइंट्स पर सबसे पहले सीधी लाइन बना लें, उसके बाद डर्ट का मार्किंग दोनों साइड कर लें। अब यहाँ बोट नेक के लिए 4 इंच पर मार्क करें और बैक नेक डीपनेस के लिए 1.5 इंच पर मार्क करें और बैक नेक का शेप इस तरह से दें। और यहाँ नेक राउंड से शोल्डर स्लोप वाले पॉइंट को लाइन बनाकर मिला लें और यहाँ चेस्ट टू वेस्ट स्टिचिंग पॉइंट पर भी लाइन बना लें। अब बैक पैनल का कटिंग इस तरह से करें। अब बैक पैनल के दूसरे साइड भी मार्जिन और डर्ट का मार्किंग इस तरह से करें। बैक पैनल का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, अब हम फ्रंट पैनल का मार्किंग करेंगे। फ्रंट पैनल का कटिंग के लिए कपड़े को 1 फोल्ड देकर डबल लेयर में सेट करें। अब बैक पैनल को इसके ऊपर रखें और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करें और मार्क करने के बाद यहाँ एक सीधी लाइन बना लें। शोल्डर बैक पैनल के जितना लें और यहाँ से नीचे भी बैक पैनल के अनुसार मार्क कर लें। अब चेस्ट राउंड का मेजरमेंट भी बैक पैनल के अनुसार लें और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें डर्ट के लिए। जैसे बैक पैनल में चेस्ट राउंड पर 9 इंच लिया था तो यहाँ पर 9.5 इंच लें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर सीधी लाइन बनाएं, उसके बाद चेस्ट पॉइंट तक भी एक लाइन बना लें। शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करें। अब इस लाइन का मिडिल पॉइंट पर मार्क करें और मिडिल पॉइंट से अंदर की ओर 1/2 इंच पर मार्क करें और फ्रंट आर्म होल का शेप इस तरह से दें। अब हम फ्रंट पैनल पर बस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। बस्ट राउंड का मेजरमेंट इस प्रकार निकालें। हमने बैक पैनल पर कोई भी बस्ट राउंड का मेजरमेंट नहीं लिया था, वहाँ हमने चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड किया था। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हम वहाँ पर 9 इंच पर मार्क किए थे, तो 9 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंच होगा। यहाँ पर टोटल बस्ट राउंड 38 इंच है। अब 38 इंच में 18 इंच माइनस करेंगे तो 20 होगा, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगा। तो यहाँ पर बस्ट राउंड हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो शोल्डर से नीचे की ओर सबसे पहले 10.5 इंच पर मार्क करें और यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करें और 1.5 इंच रखें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। यहाँ पर वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लें। यहाँ पर वेस्ट राउंड का चौथा भाग लें और 1.5 इंच रखें डार्ट के लिए और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ दोनों लाइन स्टिचिंग और मार्जिन वाले पॉइंट को लाइन बनाकर मिला लें।
अब बेल्ट का मार्किंग करेंगे। हमें यहाँ पर तैयार बेल्ट 3 इंच चाहिए, तो 1/2 इंच और लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो 3.5 इंच पर मार्क करें। और इस साइड 2.5 इंच चाहिए, तो 3 इंच पर मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग पॉइंट्स को लाइन बनाकर मिला लें। अब इस लाइन पर डर्ट का मार्किंग करें। सो डर्ट का मार्किंग के लिए आप अपने बेस्ट राउंड को 8 से डिवाइड करें और आंसर जो भी आता हो वो यहाँ पर मार्क करें। अब इस मार्किंग पॉइंट से दोनों ओर 1/2 इंच पर मार्क करें, क्योंकि हमने यहाँ पर 1.5 इंच डर्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर 10.5 इंच पर मार्क करें बस्ट लेंथ पॉइंट के लिए, और यहाँ पर एक और मार्क करें 9 इंच पर। अब इस 9 इंच वाले मार्किंग पॉइंट से दोनों ओर 1-1 इंच पर मार्क करें, और इस साइड नीचे की ओर 1 इंच पर एक और मार्क करें। अब हम डर्ट का मार्किंग करेंगे। डर्ट का मार्किंग सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर करें, और नीचे का डर्ट 1.5 इंच वाला इस तरह से बनाएं। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करें, और साइड डर्ट का मार्किंग इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर करें। सेंटर डॉट के लिए इस पॉइंट से सीधी लाइन बनाएं, और आर्म होल डॉट के लिए इस पॉइंट से आर्म होल पर तिरछी लाइन बना लें। और बोट नेक का मार्किंग के लिए यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करें, और फ्रंट नेक डीपनेस के लिए यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाएं, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर नेक का शेप दें। यहाँ शोल्डर स्लोप वाले पॉइंट पर भी तिरछी लाइन बना लें। अब फ्रंट पैनल का कटिंग इस तरह से करें। अब यहाँ से बेल्ट वाले पार्ट को भी कट करके अलग कर लें। फ्रंट पैनल के दूसरे साइड के मार्किंग के लिए इस तरह से मार्क करें, और इसी तरह दूसरे साइड भी डर्ट और मार्जिन का मार्किंग कंप्लीट करें। बेल्ट के लिए सेम एक और फैब्रिक सेम कट करके इसे डबल करें। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसे मैंने 4 लेयर में सेट किया है। स्लीव के बॉटम राउंड पर यहाँ पर मैं 1.5 इंच का फ्रिल अटैच करूँगी। सो स्लीव का लंबाई में 1.5 इंच माइनस करें फ्रिल के लिए, और 1 इंच ऐड करें इसके अपर एंड बॉटम फोल्डिंग के लिए। स्लीव का चौड़ाई यहाँ पर चेस्ट राउंड का 1/4 भाग करके उसमें 1.5 इंच माइनस करके लें। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करें। यह मार्किंग हमारा स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करें, और यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर तिरछी लाइन बना लें। अब यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप इस तरह से दें, और फ्रंट आर्म होल का शेप यहाँ पर इस तरह से दें। अब यहाँ पर स्लीव का बॉटम राउंड का 1/2 लें, और 1.5 इंच और लें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ स्टिचिंग पॉइंट और मार्जिन वाले पॉइंट्स पर लाइन बनाएं। अब इसका कटिंग इस तरह से करें। अब इसके सेंटर पार्ट पर एक नॉच लगाएं, और इसे ओपन करें, और ओपन करके इसको देखें कि इसके अंदर का पार्ट या तो दोनों राइट साइड फेस करता हुआ हो, या तो रॉन्ग साइड फेस करता हुआ हो। उसके बाद फ्रंट आर्म होल का कटिंग करें। अब ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम स्टिचिंग करेंगे। इसका स्टिचिंग में सबसे पहले ब्लाउज के सारे डॉट्स का स्टिचिंग कंप्लीट करें। साइड के डॉट्स को इस तरह से पकड़ें, और यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच करें, और यहाँ इस साइड के डॉट का स्टिचिंग में टोटल 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करें। साइड डॉट का स्टिचिंग इसी तरह कंप्लीट करें, और सेंटर डॉट का स्टिचिंग करने से पहले यहाँ पर इस तरह से मार्क करें, और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें। डॉट का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। सेम तरीके से बैक पैनल का दोनों डॉट का स्टिचिंग कंप्लीट करें। अब हम फ्रंट पैनल का नेक राउंड बनाएंगे। इसके लिए नेक का शेप में यह मैंने एक स्ट्रिप कट किया हुआ है। अब फ्रंट पैनल का राइट साइड ऊपर की ओर रखें, और उसके ऊपर यह स्ट्रिप को ठीक से सेट करें, और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें। स्ट्रिप को नेक राउंड से स्टिच करने के बाद यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएं, और उसके बाद स्ट्रिप को रॉन्ग साइड टर्न कर लें, और यहाँ पर आयरन के द्वारा सेट करें। यहाँ पर मैंने इसे आयरन के द्वारा सेट कर दिया है। इसके बैक साइड के फैब्रिक को अंदर की ओर फोल्ड करके हेमिंग कर लें। अब हम बैक पैनल का नेक का स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए यह मैंने उरेब स्ट्रिप लिया है।
अब रेप स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करें और नेक राउंड से मिलाते हुए इसे 0.25 इंच डिस्टेंस लेते हुए नेक राउंड से स्टिच करें। स्ट्रिप को नेक राउंड से स्टिच करने के बाद इसे रॉन्ग साइड टर्न करके प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद यहाँ पर हाथ से तुरपाई कर लें। अब हम इसके बॉटम राउंड का स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए यह मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप लिया है। स्ट्रिप को बॉटम से इस तरह से मिलाते हुए रखें और 1/2 इंच डिस्टेंस लेते हुए स्टिच करें। स्टिच करने के बाद स्ट्रिप को रॉन्ग साइड टर्न करें और यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ हाथ से तुरपाई कर लें। अब हम फ्रंट पैनल पर बेल्ट अटैच करेंगे। सो बेल्ट अटैच करने के लिए फ्रंट पैनल का सेंटर पॉइंट पर मार्क करें और बेल्ट के भी सेंटर पॉइंट पर मार्क कर लें और बेल्ट के दूसरे साइड पर यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए स्टिच करें। स्टिच करने के बाद अब इसे टर्न करके राइट साइड कर लें और इसे आयरन के द्वारा सेट करें। अब फ्रंट पैनल का और बेल्ट का दोनों का सेंटर पॉइंट आपस में मिलाएं। सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद दोनों का सेंटर पॉइंट से होते हुए फ्रंट पैनल के साइड तक स्टिच करें और साइड में स्टिचिंग करते वक्त यहाँ पर डर्ट के पास डर्ट का फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लें। सेम दूसरे साइड भी सेंटर से स्टिचिंग करते हुए साइड तक स्टिच करें। बेल्ट का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब इसे फिर से सेंटर से फोल्ड करें और वेस्ट राउंड का मेजरमेंट दोबारा कर लें। यहाँ पर मेरा वेस्ट राउंड 34 इंच था तो उसका 1/2 हुआ 8.5 इंच, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करके चेस्ट राउंड तक इस तरह से लाइन बना लें। सेम मार्किंग इसके दूसरे साइड भी कर लें। मार्किंग करने के बाद दोनों पैनल का राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ रखें और शोल्डर से ज्वाइन करें। शोल्डर से ज्वाइन करने के लिए इसके बैक साइड वाले स्ट्रिप को फ्रंट पैनल पर रखकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करें। यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से शोल्डर को ज्वाइन करने से शोल्डर की फिनिशिंग अच्छी आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों शोल्डर कितने फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब हम इसके साइड का स्टिचिंग करेंगे। साइड के स्टिचिंग में राइट साइड पूरा स्टिच करके क्लोज कर देंगे और लेफ्ट साइड में हम नीचे थोड़ा ओपन रखेंगे जहाँ की हम आई और हुक अटैच करेंगे। अब इसके राइट साइड पर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके क्लोज कर दें और लेफ्ट साइड का स्टिचिंग में मैंने यहाँ नीचे इतना खुला रखा है। अब इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर कर लें। अब इसके बैक पैनल के ऊपर 1 इंच के डिस्टेंस पे आई बनाएं और फ्रंट पैनल के ऊपर हुक अटैच करें। अब इसके ऊपर हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव के स्टिचिंग में सबसे पहले इसके बॉटम राउंड से बैक फ्रिल अटैच करूंगी। सो फ्रिल अटैच करने के लिए यहाँ मैंने 3.5 इंच चौड़ी यह स्ट्रिप कट की है। अब इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके आयरन के द्वारा इसे डबल लेयर में सेट करें। आयरन से सेट करने के बाद इस स्ट्रिप के ऊपर 1/2 इंच डिस्टेंस लेकर मार्क करें। यह मार्किंग पूरे स्ट्रिप के ऊपर कर लें। फ्रिल बनाने के लिए यहाँ से काउंट करें और तीसरा नंबर का जो मार्किंग पॉइंट है उसे उठाकर पहले पर रखें और फिर से यहाँ से काउंट करें तीसरा नंबर का फ्रिल को और उसे पहले पर लाकर इस तरह से रखें। इस तरह से फ्रिल बनाने पर फ्रिल इक्वल डिस्टेंस में बनता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। फ्रिल बनने के बाद इसे स्लीव राउंड से अटैच करें। सो स्लीव राउंड से अटैच करने के लिए इसे राइट साइड ऊपर की ओर रखें और स्लीव का रॉन्ग साइड ऊपर की ओर फेस करता हुआ इस तरह से रखें और यहां से यहां तक इसे स्टिच करें। अब इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर करें और यहाँ पर यह लेस रखते हुए इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच करें। अब इसे दोनों साइड से मैच कराएं और इसके मार्जिन वाले फैब्रिक से इसे स्टिच कर लें। इसी तरह से दूसरे स्लीव का भी स्टिचिंग कंप्लीट करें। दोनों स्लीव कंप्लीट करने के बाद इसे ब्लाउज से अटैच करें। स्लीव को ब्लाउज से अटैच करने के लिए ब्लाउज का रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखें और स्लीव का राइट साइड ऊपर की ओर रखें और दोनों का फ्रंट आर्म होल आपस में मैच करता हुआ चेक करें। उसके बाद स्लीव को यहां से अंदर डालें। अब 0.25 इंच डिस्टेंस लेते हुए आर्म होल के चारों तरफ से इसे स्टिच कर लें।
दोनों स्लीव अटैच होने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल अस्टिच होम को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।